अब हम आते हैं डिफरेंट गैजेट्स के ऊपर जो कि शहद की मक्खियों को पालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं फीडर्स। जिस वक्त हम शहद निकाल लेते हैं और बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही होती तो हमें उनको ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ खुराक देनी पड़ती है। आमतौर पर एक हिस्सा चीनी और एक हिस्सा पानी ये हम इस्तेमाल करते हैं जो कि उनको खुराक के तौर पर दे रहे होते हैं। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं फीडर्स, उसमें एक तो ये प्लास्टिक का फीडर है जो कि आमतौर पर चाइना से आया करता था, पाकिस्तान में भी तैयार हो गया है ये। इसके अंदर 800 ml जो है ना वो खुराक आ जाती है एक दफ़ा में। इसी तरह से ये लकड़ी का हमने बनाया है, लेकिन लकड़ी में ये होता है कि ये फिर लीक कर जाता है बार बार, तो इसके हमें दोबारा से ना इसकी डिपिंग करनी पड़ती है पैराफिन बैग्स के अंदर। ये भी एक और है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, ये पूरा लकड़ी का है और इसके अंदर जो हमने बनाया हुआ है वो प्लाईवुड लगाई हुई है, तो थोड़ा इकोनॉमिकल हो गया, ये सस्ता हो गया। लेकिन इनके साथ अगर हम देखें तो एक बड़ा फीडर भी पड़ा हुआ है जो कि ये नज़र आ रहा है आपको। ये जो बड़ा फीडर है ये टॉप फीडर कहलाता है, ये टॉप फीडर है, ये ऊपर आ जाता है और ये तकरीबन 7 लीटर के करीब जो है ना खुराक अपने अंदर समो लेता है। तो जब हम ये देते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमें बार बार मक्खियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम छोटे फीडर्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें बार बार खुराक देने के लिए जाना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है जो कि हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है। शहद की मक्खियों के जहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं वहाँ पर एक जो जंबूर है जिसको काबली भीड़ भी कहते हैं, हॉर्नेट कहते हैं इसको आमतौर पे, तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा खतरा है हमारी शहद की मक्खियों के लिए। आमतौर पे इनकी जो परवाज है वो जून के अंदर जब ये आते हैं हमारी मक्खियों के पास तो ये बेताशा नुकसान करते हैं और ये ग्लोब के अंदर अपना घर बनाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं इनकी, और इनका काम यह है कि शहद की मक्खियों को खाई जाओ आकर के, तो ये हमारी कॉलोनीज़ की तबाही का बाइस बनते हैं। हमने ये गैजेट बनाया है ताकि इनको ट्रैप कर लिया जाए। बेसिकली ये गैजेट यहाँ पर हमने रेप्लिका किया है, ये एक्चुअली बनाया गया था उसमें यूरोप के अंदर, तो यूरोप से हमने इनकी कॉपी की है और यहाँ पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दिया है ताकि अब लोग इसको इस्तेमाल करें और इससे हॉर्नेट से बच जाएं। होता यह है कि शहद की मक्खियाँ तो अपने घर से आती जाती रहती हैं यहाँ से और इसकी वो गार्डनिंग भी करती हैं, लेकिन ये जो ट्रैप बनाया है वो ऐसा बनाया है कि ये जो साइड के ऊपर इसके होल नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैं कुछ पीछे हैं, ये यहाँ पर है। तो जो ट्रैप है ना वो ये है कि हॉर्नेट जो होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि जहाँ पर रेजिस्टेंस ना हो तो वहाँ से जाएँ, तो उनको जब स्मेल आती है हनी बीज की तो वो इन सुराखों से वो स्मेल लेके इधर से अंदर चले जाते हैं जो कि यहाँ से होते हुए इस कैसेट के अंदर चले जाते हैं। अभी ये जो है इसके अंदर हमने कोन्स लगाई हुई हैं इस किस्म की, ये जो कोन्स हैं ये वन वे जो है ना वो ट्रैफिक है, जो इसके अंदर हॉर्नेट आ गया वो वापस बाहर नहीं निकल सकता, तो वो सब के सब इसमें फंस जाते हैं और हम इसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हम देखते हैं कि इसके अंदर हॉर्नेट जो है ना वो ट्रैप हुए हैं तो हम इसको निकाल करके इस कैसेट को उनको ज़ाया कर देते हैं या पानी में डुबो के उनको मार देते हैं और फिर ये दोबारा ट्रैप जो है ना वापस फिक्स कर देते हैं, तो इसकी वजह से वो जो हमारी हनी बीज हैं वो अब बच जाती हैं। आमतौर पर रिकमेंड ये किया जाता है कि वो जो कमर्शियल हमारे फार्म्स हैं, कमर्शियल फार्म्स में हर 5 डब्बे के बाद एक डब्बा जो है वो इस तरह का होना चाहिए ताकि वो जो प्रेशर है इसका, लोड जो है हॉर्नेट्स का, वो उसको होल्ड किया जा सके। ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में, ये इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, तो शायद ये पहला या दूसरा साल होगा इसका। हमने कुछ ये चीज़ें भी तैयार की हैं, ये भी एक तरह का ट्रैप है, इसके अंदर जो है ये खुल जाते हैं। अच्छा, ये खुल जाते हैं यहाँ से, खुराक डाल दो फिर इसके अंदर हम लोग ना कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जैसे अंगूर हो गए हैं या कोई शीरा वगैरह है, वो डाल करके इसको हम लोग इसमें बंद कर देते हैं। वो जो हॉर्नेट है वो यहाँ से सुराख से उसकी लेकर आते हैं खुशबू और वो इसके अंदर फंस जाते हैं, यहाँ से बाहर वापस नहीं जाते, क्योंकि हॉर्नेट जो है उसको हमेशा ऊपर की तरफ हो जाता है निकलने के लिए, वो इससे वापस नहीं निकलता, तो ये भी एक ट्रैप है जो कि बनाया गया हॉर्नेट के लिए। और इसी तरह से ये एक ट्रैप बनाया गया है, इसके अंदर भी हम लोग जो है वो जो बेट है वो इसके अंदर रख देते हैं, ये सामने नीचे पेंदे में रख देते हैं इसके बेट जो भी हमने रखना है उसकी खुराक, और वो जो हॉर्नेट है ये हम कॉलोनीज़ के कहीं पर जाके ना अपने फॉर्म पे रख देते हैं। 4 सुराख हैं इसके अंदर, 4ों से जो है ना हॉर्नेट अंदर जाता है। इसकी आदत है कि जब ये खुराक लेता है हॉर्नेट, जब भी कोई चीज़ खाता है उसके बाद ये ऊपर की तरफ प्रवास करता है तो वो इधर से वापस नहीं निकलता, वो जब ऊपर आता है तो यहाँ से गुजरता इस बॉटल में आके ट्रैप हो जाता है, और ये देखिए बहुत सारे इसके अंदर हॉर्नेट जो हैं वो इस वक्त ट्रैप हुए में नज़र भी आ रहे होंगे आपको, तो ये भी एक तरह का कंट्रोल है। लेकिन ये सारे के सारे कंट्रोल जो है ना एक हद तक काम करते हैं, और फिर ये क्योंकि बड़ा होशियार है, ये शिकारी जानवर होता है ना तो ये सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है, तो इसके लिए सबसे जो इफ़ेक्टिव है वो यही है जिसको एपिशील्ड कहते हैं,
ये वाला जो मोस्ट लेटेस्ट है ना, ये एपी शील्ड वाला है। तो इससे ये है कि इसको समझ नहीं आती क्योंकि वो स्मेल के ऊपर जाता है, बेट होता है और फंसते चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं जी। हम लोग क्वीन रेरिंग करते हैं अपने तौर पे, तो क्वीन रेरिंग जब कार्य होते हैं तो उसमें ये वाला फ्रेम इस्तेमाल होता है और ये वाला केज भी इस्तेमाल होता है जो इसमें बना हुआ है। तो ये जदीद जो मकसबानी है उसके अंदर ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला केज जो है इसके अंदर हम आमतौर पे जो मलका होती है नई, उसको 5 मक्खियों के साथ इसमें केज करके यहाँ इसके अंदर फंसा के रख देते हैं एक कॉलोनी के अंदर, और उस वक्त तक जब तक कि हमने उसको वो जो पहले मिनी न्यू को आपको दिखाया गया था उसमें नहीं डाल देते जहाँ से फिर वो मीटिंग के लिए प्रवास कर रही होती है। तो ये 2 दिन का प्रोसेस होता है उसके लिए ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक लाइन में 8 जो है वो केज जो है ना फिक्स हो जाते हैं। ये क्वीन रेयरिंग का सब्जेक्ट है। अगर मलका मक्खी हमने पैदा करनी है और उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो उसके लिए हम लोग इस केज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 3 हमने वो सुराख दिए हुए हैं मलका को घूमने फिरने के लिए, और एक साइड पे होल किया हुआ है ताकि वो इसमें कैंडी डाल देते हैं, उसकी खुराक होती है आर्जी तौर पर। यहाँ से मलका को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जब हमें चाहिए होती है तो दोबारा यहीं से उसको प्लग जो होता है उसको हटा करके मलका को आप रिलीज़ करा सकते हैं। यहाँ से लाहौर भेजनी है, कराची भेजनी है, दुबई भेजनी है, अमरीका भेजनी है, यही वाला केज जो है ना वो इस्तेमाल होगा मलका को भेजने के लिए एक जगह दूसरी जगह पर जी। ये जो है ये ड्रोन का एक हमने कलेक्टर केज बनाया हुआ है। जब हम कभी भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो उस वक्त हमें नर चाहिए होते हैं बहुत सारे ताकि उनका सीमन कलेक्ट कर लिया जाए। तो हम वो कॉलोनीज़ जिनके पास ड्रोन्स डिज़ायरेबल ड्रोन्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि इस कॉलोनी से लें जो कि अच्छी नस्ल के हैं, वो हम इसके अंदर इकट्ठे करके ले जाते हैं और फिर अपनी लैब में ले जाके उनका जो है सीमन कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिर्फ ड्रोन्स को कलेक्ट करने के लिए एक केज है। ये जो आपको नज़र आ रहा है बोर्ड, ये वायरिंग बोर्ड है। ये तारें इसमें डालते हैं हम लोग ताकि जो छत्ता इसके ऊपर बनाए मक्खी वो मजबूत बने। तो पहले हम इसके अंदर एक शीट लगाते हैं और शीट जब हम कॉलोनी को देते हैं तो वो उसके ऊपर छत्ता कर देती है। ये जो है ना ये इस तरह इस्तेमाल, जैसे रिब्स होती हैं हमारी हड्डियाँ, तो ये इसका काम करती है। क्योंकि हमें जब शहद निकालना होता है तो हम इसे मशीन में डाल के घुमाते हैं और ऐसा घुमाने से छत्ता टूटने का अंदेशा होता है। तो ये जब बनी होती है अंदर इसकी तारें लगी होती हैं तो वो छत्ता टूटता नहीं है और वो चलता रहता है। और ये उसकी मिसाल है कि ये हमने एक शीट जो है ना वो इसके अंदर इम्बेड की हुई है और इसी के ऊपर मक्खियों ने छत्ता बना लेना है। ये हमने एक नया सिस्टम बनाया है जो कि हम कॉलोनी के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब एक कॉलोनी है जो कि 10 फ्रेम की हो गई है, मक्खियाँ मजबूत हैं, हम उसके ऊपर ये रख के और इसके अंदर हम बोतल्स इन्वर्ट करके रख देते हैं। बॉटल जो हैं वो खाली होती हैं और उसके अंदर शहद की मक्खियाँ जो हैं वो छत्ता भी बनाती हैं। हाँ, ये इस तरह से इसमें लगा देते हैं तो ना सिर्फ इसमें वो मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं बल्कि इसके अंदर वो शहद भी भर देती हैं। तो ये एक नई टेक्निक है। इससे अगर हम लोग 100 रुपये किलो शहद बेच रहे हैं तो इस तरह से हम लोग उसको 300 रुपये किलो बेचेंगे, 3 times मोर जो है ना वो कीमत मिलती है। क्योंकि लोगों को ट्रस्ट होता है कि ये वाकई में खालिश शहद होगा क्योंकि ये मक्खियों ने खुद ही छत्ता बोतल के अंदर बनाया और उसमें शहद भरा है। तो ये एक हमने वैल्यू एडिशन जो है ना उसके लिए ये गैजेट जो है ना वो तैयार किया हुआ है। आगे चलते हैं जी। ये जो है ना बेसिकली इनर कवर का काम करता है। जब शहद की मक्खियों को खुराक की ज़रूरत होती है तो हम इसके अंदर शीरा भरते हैं और इसके ऊपर ढकना लगा के तो फिर इसे यहाँ पर उल्टा करके रख देती हैं। तो शहद की मक्खियाँ चूँकि नीचे होती हैं तो वो यहाँ से हल्का हल्का जो कतरे आ रहे होते हैं उनको वो सक करती रहती हैं और उनकी खुराक की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये आप यहाँ पर 1, 2 और इस किस्म का कोई भी अपरेटस आपके पास हो तो वो आप इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं खुराक देने के लिए। यहाँ कैंडी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ग्राफ्टिंग फ्रेम का स्टैंड, इसमें ये होता है कि हम लोगों ने जब कभी भी मलका बनानी होती है या हमने रॉयल जेली प्रोड्यूस करनी है तो हम जो लार्वे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो फ्रेम को हम यहाँ पर रखते हैं जिसके अंदर ब्रूड होता है और यहाँ से उन लार्वों को निकालते हैं ग्राफ्टिंग नीडल की मदद से और फिर उसको क्वीन कप्स के अंदर जो है ना ग्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए है कि हमने उनको ये स्लांटिंग सपोर्ट दे दिया बना करके। तो ये बड़ा अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है हम लोगों ने। ये पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस जो है ना डेवलपमेंट है जो कि अल नहर वालों ने तैयार कराया था। ये पोलन ट्रैप के मुख्तलिफ जो है ना वो आपके पास जो है ना फॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं। ये हम एंट्रेंस के ऊपर लगा देते हैं, मक्खियाँ जो हैं वो ऐसे करके हम इसको लगाते हैं डब्बे के आगे। तो मक्खियाँ जो हैं जब इसमें से गुजरती हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उससे फालतू होता है पोलन जो कि उनकी टांगों से जुड़ा हुआ होता है और ये छोटी छोटी बॉल जो हैं वो फिर इसके अंदर केज के अंदर आ जाती हैं और इसे हम लोग निकाल के हल्का सा ड्राई करके फिर जहाँ इस्तेमाल करना होता है। तो ये पोलन ट्रैप की एक किस्म है, ये पोलन ट्रैप की दूसरी किस्म है। ये इम्पोर्टेड है, ये बाहर से आया हुआ है और ये भी इसका फंक्शन तो इसका भी वही है जो इनका है।
कि आप इसको एंट्रेंस के ऊपर लगाएंगे, मक्खियाँ इसमें से गुजरेंगी और पोलन जो है वो इसके अंदर ड्रॉप होता चला जाएगा। और ये वाला जो पोलन कलेक्टर है ये बेसिकली बॉटम बोर्ड की जगह पर प्लेस कर देते हैं। जब मक्खियाँ इसमें से गुजरती हैं, यहाँ से एंटर होती हैं सामने से, इसमें से गुजरती हैं, पोलन नीचे इकट्ठा हो जाता है इनका, और फिर उस पोलन को हम लोग जो है वो बाद में ड्राई कर लेते हैं निकालने के लिए। ये हॉर्नेट ट्रैप है, यानी आप देख रहे हैं कि हॉर्नेट की ये एक और हमने जो है ट्रैप बनाया हुआ है। ये आया तो बाहर से है लेकिन इसको पाकिस्तान में भी रेप्लिका किया जा सकता है, तुर्की से हमारे पास आया था। इसमें भी होता है यही है कि जो हॉर्नेट है वो उसके लिए हम बेट जो है ना वो यहाँ रख देते हैं। हॉर्नेट जो है वो जब इधर आता है उस बेट के चक्कर में तो वो नीचे चला जाता है, और फिर नीचे जब चला जाता है तो ट्रैप हो जाता है, वापस दोबारा निकल नहीं सकता इसके अंदर से। तो ये जो हमारा सिस्टम है बेसिकली हॉर्नेट को पकड़ने के लिए है। ये देखिए इसकी कॉन्स, यहाँ से जो बाहर निकलेगा हॉर्नेट वापस दोबारा यहाँ से अंदर नहीं जा सकेगा। ये जो आपको गैजेट नज़र आ रहा है सामने पड़ा हुआ, इसको हम स्मोकर कहते हैं और मैं इसको बी गन भी कहता होता हूँ। इसमें हम लोग जो है ना धुएँ का इस्तेमाल करते हैं और गत्ता आमतौर पर जो है ना वो इसके अंदर जलाया जाता है। गत्ते को हम रोल करते हैं जो आमतौर पर काटन होता है, उसके नीचे आग लगाते हैं और इसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद इसे बंद करके हम लोग ऐसा ऐसा ब्लो करते हैं तो धुआं सिर्फ बाहर आएगा, आग बाहर नहीं आएगी। धुएं से ये होता है कि शहद की मक्खियाँ ये समझती हैं कि हमारे घर को लग गई है आग, और वो फिर शहद खाने में मसरूफ़ हो जाती हैं, फिर हमें कुछ नहीं कहती। तो जब भी आप कभी भी शहद की मक्खियों के पास जाएं तो हमेशा धुएं का इस्तेमाल करें ताकि शहद की मक्खियाँ जो है ना वो आपको तंग मत करें और आप आराम से उनका शहद वगैरह जो है ना वो हासिल कर लें। अभी मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ये वो बी हाइव है जो कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। लकड़ी बाहर से आती है, हम यहाँ पर इसको फैब्रिकेट करते हैं लाहौर में, और फिर यहाँ से इसको ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो इसको परचेज़ कर लेती हैं। इसका नाम ही हमने ऑस्ट्रेलियन हाइव रख दिया है। इसका जो आप देख रहे हैं साइज़ वो थोड़ा सा छोटा है, इसको थ्री क्वार्टर साइज़ हम कहते हैं। थ्री क्वार्टर साइज़ से मुराद ये है कि इसके जो फ्रेम का वो जो हाइट है वो हमने कम कर दी है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फ्लो कमज़ोर भी है, यानी पौधे कम हैं, शहद की मक्खियों के पास खुराक के ज़राए कम है, तो वो फिर भी इससे शहद हासिल कर लेती हैं और शहद इसके अंदर तैयार कर लेती हैं, और हमें सील छत्ते शहद की मक्खियों के शहद के मिल जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन हाइव बहुत अच्छा है इस एतबार से कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ करीब करीब पड़ी हुई हैं लोगों की और वसाइल जो हैं खुराक के वो कम हो, तो वहाँ पर ये जल्दी से जो है ना छत्ते फ्रेम भर जाते हैं आने से ना। तो दिस इज़ वेरी गुड। तो हमने बिलियन ट्री हनी प्रोजेक्ट के अंदर इसको तारुफ करवाया था और बड़ा सक्सेसफुली जो है ना इसको 7 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, 7 लोकेशंस पे हमने इसको कामयाबी के साथ जो है ना इसको हनी प्रोड्यूस किया था यहाँ से। अभी हम बात कर रहे थे माइट्स की, तो वो जो माइट्स हैं वो शहद की मक्खियों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमने यहाँ पर माइट्स के कुछ सैम्पल जो है ना प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो अगर आप देख सकें तो ये इसके अंदर बारीक बारीक से जो माइट्स हैं ना वो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये हैं वो माइट जो कि शहद की मक्खियों के लिए जहर कातिल हैं, और इसकी वजह से कॉलोनीज़ जो हैं हमारी वो डेवलप नहीं हो पाती और कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो इसका तदारक बड़ा ज़रूरी है। तो ये हम जब तालीम देते हैं लोगों को तो उनको दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहलाती है फ्रेम ग्रिप। फ्रेम ग्रिप का काम यह है कि कई लोग जो होते हैं वो उनको प्रोपोलिस से एलर्जी होती है, तो वो पकड़ना नहीं चाहते फ्रेम को अपने हाथ से, तो उसमें फिर ये जो गैजेट है ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये फ्रेम है, इसको हम लोग पकड़ने के लिए कॉलोनी से निकालने के लिए यूँ इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये उसमें रखा भी जाता है। तो इससे एक ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको सारा दिन ना, तो ये इन दो उंगलियों से पकड़ पकड़ के आमतौर पर ये हाथ दुखने भी लग जाते हैं, तो फिर उसके लिए ये जो गैजेट है ना ये हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। तो एक तो ये गैजेट आपको बताना मकसूद था। दूसरा, मक्खियाँ जब शहद तैयार करती हैं अपने छत्ते में तो वो उस पर बैठी हुई भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बस शहद तैयार कर दिया और उसको छत्ते को छोड़ के चली गई। तो जब उनसे छत्ते हासिल करते हैं तो फिर बीज को हम ब्रश करते हैं, छतों से अलहदा करते हैं, उसके लिए ये ब्रश इस्तेमाल होता है। तो हम फ्रेम के ऊपर बस इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं और वो तमाम के तमाम मक्खियाँ जो है ना उसी कॉलोनी में रह जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम छत्ते जो हैं उसके अंदर शहद ही होता है, तो अगर उसमें 10 छत्ते हैं तो 10 में से हो सकता है 4 जो छत्ते हैं उसमें शहद हो और बाकी के अंदर बच्चे हों उनके या पोलन वगैरह हो। तो हम लोग वो जो मक्खियाँ होती हैं वो जो बाकी मक्खियाँ रह जाती हैं छत्ते के अंदर उन्हीं के साथ उनको शेक कर देते हैं, और खाली जो शहद निकालते हैं जिन फ्रेमों से उनको बगैर मक्खियों के अपने हनी एक्सट्रैक्शन रूम में ले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक गैजेट है हाइव टूल। हाइव टूल का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि हमारी शहद की मक्खियाँ ग्लू इकट्ठा करते हैं, इसको प्रोपोलिस कहते हैं।
तो डिफरेंट हाई पार्ट्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो फ्रेमों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हाइव टूल का। तो जब भी आपने हनी बीज के पास जाना है तो हाइव टूल, स्मोकर और बी वेयर, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। इन तीन चीज़ों के बगैर आपने हाइव कॉलोनी के पास नहीं जाना। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये बी ग्लव्स हैं। बी ग्लव्स होते हैं ना आमतौर पर फुल स्लीव्स के लिए होते हैं। अब जैसे ये स्लीव है तो यहाँ से मक्खियाँ चली जाती हैं अंदर, तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो ये इतने लंबे बनाए जाते हैं कि हर किस्म की जो आपकी वो गैजेट उसके कपड़े हैं उनके लिए इस्तेमाल कर लें। प्लस ये लेदर के बने हुए हैं, तो शहद की मक्खियाँ इस पर जब डंग काट लगाएंगी तो इंसान को पता नहीं चलेगा उसका। तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है और ये नए नए जो लोग हैं बी कीपर्स उनके लिए बड़ा मुफीद है कि वो इसको इस्तेमाल करें। पुराने बी कीपर्स आमतौर पर इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि जब इसको पहन के आप फ्रेम्स को पकड़ेंगे तो वो उनके पर जो ग्लू लगी हुई होती है जिसको प्रॉपलस कहते हैं वो बहुत बार बार स्टिक करेगी और उसकी वजह से फिर जो है ना ये चिपकेंगे तो काम करने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिनको खौफ है वो ज़रूर इस्तेमाल करें।